बात करते हैं शिवपाल यादव की, जिन्होंने अधिकारियों को अल्टीमेटम दे दिया। दरअसल शिवपाल यादव रायबरेली पहुंचे थे, जहां वो जेल में बंद आरपी यादव से मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन उनके रायबरेली पहुंचने से पहले ही आरपी यादव की जेल बदल दी गई। ये बात शिवपाल यादव को इतनी चुभी कि उन्होंने अधिकारियों को ही निशाने पर ले लिया। इसके अलावा उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी को खुली चुनौती दी। लोकसभा चुनाव में अभी भले ही एक साल से ज्यादा का वक्त हो, लेकिन शिवपाल यादव ने अभी से ही भाजपा को खुली चुनौती देनी शुरू कर दी है। शिवपाल रायबरेली पहुंचे थे, जहां से उन्होंने भाजपा को सत्ता से हटाने की हुंकार भरी। समाजवादी पार्टी का महासचिव पद मिला है। अब हम समाजवादी पार्टी का संगठन को मजबूत करके इन्हें बताएंगे कैसे चुनाव लड़े जाते हैं और कैसे इनको यहाँ से फिर इनको हटाने का काम करेंगे। और केवल हमारा मिशन है संगठन को मजबूत करके इनको सत्ता से हटाना, और हम लोगों को सत्ता में आना है, तब जो निरंकुश अधिकारियों को और इनको सबको फिर पता चलेगा। शिवपाल के रायबरेली पहुंचने का कार्यक्रम पहले से तय था। वो यहां जेल में बंद आरपी यादव से मुलाकात करने वाले थे, लेकिन एक दिन पहले ही आरपी यादव की जेल बदल दी गई और ये बात शिवपाल यादव को चुभ गई। शिवपाल ने आरोप लगाया कि कई ऐसे सपा नेता हैं जिन्हें फर्जी मुकदमे में फंसाया गया है। सपा के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष गिरजा संघ का लोधी, इन पर भी ऐसे मुकदमे लगाकर इनको भेज दिया। सपा नेता राम फेर यादव पुत्र पोला निवासी ग्राम खपुरा पोस्ट, इनको भी भेज दिया। सपा नेता ग्राम प्रधान धर्मेंद्र कुमार लोधी, इनको भी भेज दिया। इसी तरीके से सपा नेता ग्राम प्रधान श्रीमती बिटाना पत्नी बंसराज यादव निवासी ग्राम पोरई, तो इनको भी भेज दिया। इसी तरीके से ये सूची है। देखिए, दरअसल समाजवादी पार्टी ने जब से मैनपुरी लोकसभा का उपचुनाव जीता है, तभी से उसके हौसले बुलंद हैं। सपा की कोशिश है कि विधानसभा चुनाव में जो वोट प्रतिशत 32% तक ठहर गया था, उसे 45% के पार पहुंचाया जाए और भाजपा के दिल्ली रथ को रोक दिया जाए। इसके लिए शिवपाल भाजपा पर तानाशाही वाला हमला कर रहे हैं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठे लोग हैं, और देखिए प्रजातंत्र में चार खम्भे तो माने जाते हैं, लोकतंत्र में तो आपका भी चौथा स्तंभ है। 6 साल में इन्होंने क्या देश और प्रदेश के लिए किया है, वो हम जानना चाह रहे हैं। ये सबमिट शिवपाल ने इस बार भाजपा को कई मुद्दों पर घेरा, इसी में एक मुद्दा था नाम बदलने वाला। शिवपाल ने साफ शब्दों में कहा कि जब उनकी सरकार आएगी तो फिर से बदले हुए नामों को पुराने नामों में बदल दिया जाएगा। अच्छा, देखिए आप लोग पत्रकार, अगर आपका नाम बदल दिया जाए तो आपको जनता तो यहाँ पत्रकार ही कहेगी, आपका नाम ही लेगी। पहले भी नाम बदले गए थे, जब नाम बदले थे हैं? आपकी सरकार में नहीं, पहले दूसरी सरकार ने बदले थे, तब फिर हमारी सरकार ने वही नाम रख दिए थे, फिर तो वही फिर होगा। नाम बदलने की राजनीति एक बार फिर गर्म है। फैजाबाद और इलाहाबाद जैसे जिले के नाम तो बदल गए, अब बारी लखनऊ और अलीगढ़ जैसे शहरों की नजर आ रही है। साफ 24 के चुनाव से पहले नाम पर नया घमासान फिर से गर्माने वाला है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।